हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। और मैं टीओसी के इस वीडियो सीरीज में डीएफए के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ गाइज, हम आज कुछ नया प्रॉब्लम देखते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स कॉम्प्लीमेंट लेना मीन्स वाइट, लाइक आप लोगों ने देखा होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। एक बाइनरी नंबर होता है उसका मैं इन्वर्स लेता हूँ, लाइक 0 1 है तो 1 0 करता था, ठीक है ना। इसको ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लाइक दैट फाइनाइट ऑटोमेटा का भी कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा का भी कॉम्प्लीमेंट हम लेने के बाद किस तरीके से लैंग्वेज को हम एक्सेप्ट करते हैं वो भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। बहरहाल, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज को सबसे पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो सीरीज को या वेल एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिले। नाउ गाइस, हम शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन यहाँ पे कुछ लिखी गई है, काफी सिंपल डेफिनेशन है और काफी सिंपल कंसेप्ट भी है, ठीक है। देखिए, द फाइनाइट ऑटोमेटा विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं किसको, फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल स्टेट्स के साथ। मींस लाइक इंटरचेंज करना मींस व्हाट, चेंज मींस लाइक ए को बी करना और बी को ए करना, लाइक इंटरचेंज करना, ओके। तो यहां पे भी क्या कर रहा हूं, मैं फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल बना रहा हूं और जितने भी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगे उसको फाइनल बना रहा हूं। तो इसमें लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होती है उसमें कोई चेंजेस आने वाले है क्या? यस, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। मान लो मैं एक एम नाम का एक ऑटोमेटा ले रहा हूं, लाइक एम नाम का एक मेरा डीएफए है ना। ये एम जो है ये एल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एल लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स आएंगे उसको ये सपोर्ट करेगा एम। नाउ एल जो होता है ये बिलोंग करता है सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा स्टार क्या है? सिग्मा स्टार है यूनिवर्सल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। यूनिवर्सल सेट मीन्स जितनी भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है वो सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे आएगी। सिग्मा मीन्स क्या होता है? इनपुट अल्फाबेट्स पॉसिबल। इनपुट अल्फाबेट का यूज करके जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल है वो सिग्मा स्टार में आएगी। नाउ लैंग्वेज इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो भी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज को सपोर्ट करती है वही सिर्फ इसे एल में आएगी, बाकी नहीं आने वाली। दैट्स व्हाई इस लैंग्वेज को अगर ये एम सपोर्ट करता है, इट मीन्स दिस मशीन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स विच आर बिलोंग्स टू द लैंग्वेज एल, ठीक है। नाउ इस मशीन का मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स मशीन का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं मैं एम डैश, ठीक है ना। एम मेरी मशीन है, उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो मैं उसको एम डैश बोलूंगा। नाउ गाइस, ये जो एम डैश है ये किसको एक्सेप्ट करेगा? एल डैश को, ठीक है ना। अभी ये एल डैश क्या होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम जो था वो एल को सपोर्ट करता था और एम डैश जो है वो एल डैश को सपोर्ट करेगा। एल डैश क्या है? एल डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एल, ठीक है ना। देखिए, ये मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा था। नाउ ये क्या कर रही है, इस लैंग्वेज को छोड़ के जो भी बचा है सिग्मा स्टार में उसको सारे को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आप दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, ये जो एम है इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ ये जो एम डैश है इस एल डैश को एक्सेप्ट कर रहा है। वेयर एल डैश क्या है? सिग्मा स्टार माइनस एल। Means, इस L को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स होगी वो सारा एक्सेप्ट करेगा ये मशीन। मीन्स ये मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा था, ये मशीन उन्हीं लैंग्वेज को वो रिजेक्ट करेगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर से एक बार मैं यहां पे रिपीट कर दे रहा हूं, ये मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा, जिस स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा, उस स्ट्रिंग्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्ट्रिंग्स आएगी उनको ये एम डैश जो है वो एक्सेप्ट करेगा। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए एंड किस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उस क्वेश्चन को, ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लाइक स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। अभी इनपुट अल्फाबेट्स में ले लेता हूं सिग्मा, ले लेता हूं ए और बी, ठीक है। और लैंग्वेज है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। इट मींस क्या बोल रहा है,
कि जो भी स्ट्रिंग ए से शुरू होगी उसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्यू जीरो देन ए से अगर शुरू होता है तो क्यू वन नाम के स्टेट में जाऊंगा जिसको मैं फाइनल बना देता हूं, उसके बाद ए आए या बी आए मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मान लो अगर यहां पे बी आता है, क्यू जीरो पे बी आता है, तो मुझे क्या करना है, उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट्स विद ए बोला गया है, स्टार्ट्स विद बी बोला तो रिजेक्ट करना है। दैट्स व्हाई मैं एक क्यूडी नाम के स्टेट पे जाऊंगा, डेड स्टेट, जहां पे बी आने पे मैं क्यूडी पे जाऊंगा। एंड एक बार मैं अगर क्यूडी पे गया उसके बाद ए आए या बी आए मैं क्यूडी पे ही रहूंगा, ठीक है ना, डेड स्टेट पे ही रहूंगा। तो ये तो हुआ गाइस इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला। नाउ इसी लैंग्वेज का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, इट मींस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए बोला गया है, इट मींस स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट्स विद ए बोलना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए का कॉम्प्लीमेंट स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट्स विद ए। ठीक है, अभी स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट्स विद ए अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डीएफए मैंने बनाया है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए का, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि वो डज नॉट स्टार्ट्स विद ए वाला एक्सेप्ट करे। ठीक है ना, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, डज नॉट स्टार्ट्स विद ए, तो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है। और कॉम्प्लीमेंट की लेने की डेफिनेशन जो है काफी सिंपल है, क्या है, द फाइनाइट ऑटोमेटा विच ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या करना है, जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है ना, मीन्स फाइनल को नॉन फाइनल बनाएंगे और नॉन फाइनल को फाइनल बनाएंगे। तो मैं यही डायग्राम को फिर से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, क्या करूंगा, सिर्फ चेंजेस जितने भी नॉन फाइनल स्टेट्स है उसको मैं फाइनल बनाऊंगा, ठीक है ना। क्या होगा देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एम डैश क्या होगा, स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विथ ए, ठीक है ना, स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विथ ए वाला हम बनाते हैं। क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करना है। क्या होगा, क्यू जीरो ये फाइनल हो जाएगी, ए आया मैं क्यू वन पे जाऊंगा ये नॉन फाइनल हो जाएगी, क्यू डी जो है ये भी फाइनल हो जाएगी। देखिए गाइस क्या किया मैंने, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लिया, सारे फाइनल को नॉन फाइनल बना दिया और नॉन फाइनल को फाइनल बना दिया। ठीक है, नॉन फाइनल क्या थे, जीरो एंड क्यूडी, तो जीरो एंड क्यूडी को यानी डेट स्टेट को भी मैंने यहां पे फाइनल बनाया है। गाइस देखिए डेट स्टेट भी यहां पे फाइनल हुआ है, डेफिनेशन को चेंज मत कीजिएगा, डेफिनेशन जो बोलता है वही करना है। क्या करना है कि हर नॉन फाइनल को फाइनल बनाना है, फाइनल को नॉन फाइनल बनाना है। तो देखिए नॉन फाइनल मेरे पास दो स्टेट्स थी, एक क्यू जीरो एंड क्यूडी, तो क्यू जीरो एंड क्यूडी को मैंने फाइनल बना दिया है, एंड जो नॉन फाइनल थी उसको मैंने नॉन फाइनल कर दिया, लाइक क्यू वन को मैंने नॉन फाइनल कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लेके देखिए वो एक्सेप्ट होगी जो कि ए से शुरू नहीं हो रही है। लाइक अगर मैं लेता हूं स्ट्रिंग बी ए ए, तो बी ए और ए एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है ना। लाइक कॉम्प्लीमेंट लेना मीन्स जस्ट लैंग्वेज को इन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, लाइक जो भी होगी उसका उल्टा कर देना है आप लोगों को, दैट्स इट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लेना, कॉम्प्लीमेंट वाला जो मेथड है वो काफी आसान है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसके इन्वर्टेड स्टेट्स मीन्स उसका इन्वर्स ले लेना है, जो भी आप डायग्राम लेंगे उसका इन्वर्स यानी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लेते हो, लाइक अगर फाइनल को नॉन फाइनल बना देना है, नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल बना देना है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स, इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत मुझे तब पड़ती है जब मैं डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं निकाल सकता हूं। नाउ गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको आपको नोट डाउन करना काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि मैं किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेता हूं एंड सेम लैंग्वेज का मैं अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, ठीक है, मींस लाइक एफ ए डैश, ठीक है ना, एफ ए डैश अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, लैंग्वेज जो है उसका इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, मींस जो फाइनाइट ऑटोमेटा यहां पे लिया है और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा यहां पे लिया है, मान लो इन दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं
इंटरसेक्शन करता हूं, मींस जो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग्स ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है और जो स्ट्रिंग ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है, इनके बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूं तो गाइस मुझे फाइ मिलेगा, ठीक है ना, फाइ मिलेगा। ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी जो कॉम्प्लीमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है और उसका जो फर्स्ट जो है जिसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो गाइज अगर मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा लिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर लिया है तो दोनों में कोई भी कॉमन स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए जो कि दोनों भी ऑटोमेटा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो फाइ आना चाहिए। नाउ गाइज अगर मैंने यूनियन ले लिया, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज दिस एंड यूनियन लैंग्वेज एक्सेप्टेड फाइनाइट बाय फाइनाइट ऑटोमेटा डैश, ठीक है ना, ये फाइनाइट ऑटोमेटा इसका कॉम्प्लीमेंट एफ ए डैश, ठीक है ना। अगर मैं इनका यूनियन लेता हूं तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज मिलना ही चाहिए। मान लो कि ये किसको कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, देन उस स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रिंग इन द यूनिवर्स इसने एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, यही बोलना है। नाउ गाइस इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज मिलेगा, इट मींस सिग्मा स्टार मिलेगा मुझे, सिग्मा स्टार मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। नाउ गाइस थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, मान लो कि मेरा रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, मान लो कि फाइनाइट ऑटोमेटा एम, एम हैज एन स्टेट्स एंड के फाइनल स्टेट्स, ठीक है ना। एक एम है उसमें एम नाम का डीएफए है, एम नाम की मशीन, उसमें n स्टेट्स है, टोटल n नंबर ऑफ स्टेट्स है एंड k फाइनल स्टेट्स है। तो गाइस अगर मैं m डैश लेता हूं, मींस m का कॉम्प्लीमेंट अगर लेता हूं तो m डैश, तो m डैश में भी n स्टेट्स ही होंगे, n स्टेट्स ही होंगे एंड n माइनस k फाइनल स्टेट हो गए। ये आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, क्या बोला गया है, मैंने क्या बोला है, अगर m मशीन है, n स्टेट्स है एंड k फाइनल स्टेट्स है, तो मेरा m डैश में क्या होगा, n स्टेट्स ही होगी और n माइनस k फाइनल स्टेट्स होगी, क्योंकि यहां पे जो फाइनल स्टेट्स होगी यहां पे वो नॉन फाइनल होगी, दैट्स व्हाई। तो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, n माइनस k, ठीक है ना, n स्टेट्स थी उसमें से k फाइनल थी, उनको मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो जितनी भी बची स्टेट्स है वो यहां पे फाइनल हो जाएगी, दैट्स व्हाई ये पॉइंट जो है ये आपको रिमेंबर करना है। नाउ गाइस और एक पॉइंट हमने एनएफए डिस्कस नहीं किया है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएफए में एग्जिस्ट करेगा, एनएफए के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को किसी ने बोला है कि एनएफए में एनएफए का मींस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो एनएफए का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, ये जब हम एनएफए का टॉपिक शुरू करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को कि एनएफए का जो है वो कॉम्प्लीमेंट हम नहीं ले सकते। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे वाले लेक्चर्स में मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेने वाला हूं कि क्यों मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का जरूरत मुझे पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूं, यहां पे मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा हेल्प करता है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।